महेश्वर फिल्म्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। मैं मनोज महेश्वर, MFI की पूरी टीम की तरफ से आप सबों को नमस्कार। अक्सर लोग मुझे पूछते हैं, सलाह देते हैं कि मैं न्यू कमर टैलेंट अपने इंस्टीट्यूट के एक्टर्स को लेकर के फिल्म में क्यों बनाता हूँ, अपने एक्टर्स को लेकर के वेब सीरीज शॉर्ट फिल्म में क्यों बनाता हूँ, क्योंकि उनको लगता है कि न्यूकमर्स को अगर लेकर बनाते हैं तो मार्केटिंग में असर पड़ता है या फिर शूटिंग के दौरान परफेक्शन देने में दिक्कतें आती हैं। लेकिन मैं उन्हें काटता हूं। सोच मेरी ये है कि अगर हम न्यूकमर्स को मौका देना शुरू नहीं करेंगे तो उन्हें कौन मौका देगा। अगर करीब करीब सारे प्रोड्यूसर्स ऐसी बातें करेंगे तो नए टैलेंट्स, नए एक्टर्स को फिर वही 10 साल या 4 साल 5 साल का वेट करना पड़ेगा एक परफेक्ट चांस के लिए। लेकिन इसीलिए मैंने ये महसूस किया, मैंने ये पाया कि अगर हम न्यूकमर्स को लेकर के फिल्म बनाते हैं, न्यूकमर्स को लेकर के कोई भी चीज़ बनाते हैं, सीरियल, वेब सीरीज या शॉर्ट फिल्में, तो जितना फ़ायदा न्यूकमर्स को है उतना ही फायदा प्रोड्यूसर्स को। कैसे? वो ऐसे कि अगर हम नोन एक्टर या मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो बड़े एक्टर को लेते हैं तो उनकी फीस भी हाई होती है, टाइम की प्रॉब्लम, डेट्स की प्रॉब्लम, और न्यूकमर्स के साथ ये चीज़ें नहीं आती। हाँ, मेहनत तो है, प्रोड्यूसर्स के पैसे बचते हैं तो न्यूकमर्स के पीछे काम तो करना ही पड़ेगा। और यही न्यूकमर्स टैलेंट जब हम उन्हें पहला मौका देते हैं, उसके बाद जब उन्हें और मौका मिलता है तो कहीं ना कहीं उन्हें याद रहता है शुरुआत तुमने कहाँ से की है। इसका फायदा नेचुरली प्रोड्यूसर्स को भी है और एक्टर्स को भी है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम सबको मिल करके नए कलाकारों को, एक्टर, सिंगर्स, राइटर्स को सपोर्ट करना चाहिए। 16 सालों से हमारी MFI की पूरी टीम उभरते कलाकारों को संपूर्ण ट्रेनिंग दे करके अपने होम प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं योग्यता अनुसार प्लेसमेंट देने की कोशिश कर रही है। और अब MFI मुंबई के साथ साथ MFI पुणे में भी हम लोगों ने ब्रांच ओपन किया है। तो आप सब आइए, इसका फ़ायदा उठाइए, लाभ उठाइए और सही दिशा में जाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू। और अब मैं चलूँगा लेकर के आपको हमारे एक्टिंग ट्रेनिंग के उस सेगमेंट में जहाँ हम अपने एक्टर्स को सॉन्ग शूटिंग कैसे हो, एक सॉन्ग की शूटिंग के दौरान न्यूकमर्स एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को किस तरह की दिक्कतें आती हैं। तो चलते हैं सॉन्ग शूटिंग की प्रैक्टिस की ओर। थैंक यू।